जय हिंद। मैथ सीरीज के अंतर्गत आज चैप्टर देखेंगे डिस्काउंट अर्थात बट्टा। जो भी चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो उन तक सारे वीडियो उन तक पहुंचते रहें। इसके अलावा और भी चैप्टर हमारे चैनल पे हैं, जो भी देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं चैनल पे जाके। ठीक है, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं अपने पॉइंट पे। देखते हैं सबसे पहले बट्टा। बट्टे की यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वो छूट। क्या कहते हैं? छूट। इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट। ठीक, इसका क्या मतलब होता है? किसी वस्तु के मूल्य में कटौती। किसे कहते हैं बट्टा? डिस्काउंट। डिस्काउंट किसी वस्तु के मूल्य में कटौती। मान लो कोई वस्तु है, उस वस्तु का रेट है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। MRP क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो उस वस्तु का के ऊपर मेंशन होता है। किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है और वो आपको 25% छूट पर दे दी। डिस्काउंट कितनी दे दी? 25%। तो बताओ कितने की मिली वो तुम्हें? 75 रुपये। बात समझ में आ गई? ये हमने यानी 100 पर तय होती है छूट। कितने पर तय होती है? 100 रुपये पर छूट की दर तय होती है, ध्यान रखिएगा। तो 100 रुपये पर जो छूट दी जाती है उसको कहते हैं क्या? डिस्काउंट या बट्टा। कहते हैं ना 10% की छूट, तो कितने पर? कितने पे? 100 पे। 5% की छूट तो कितने पे? 100 पे। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे आ जाते हैं। इसमें आती हैं जैसे बट्टा श्रेणी, जब एक ही वस्तु पे कई बार छूट दी जाती है। मान लो एक वस्तु 100 रुपये की है, उस पर 3 बार छूट दी गई। पहले 10% की छूट दी गई, फिर उस वस्तु पे फिर 10% की छूट दी गई, फिर 10% की छूट दी गई। तो इसको हम क्या कहते हैं? बट्टा श्रेणी। क्या कहते हैं? बट्टा श्रेणी। तो मान लो ये वस्तु का MRP था 100 रुपये, पहले छूट दी तो कितने की पड़ गई? 90 की। फिर 10% की छूट दी तो कितने की पड़ गई? 80/100। फिर 10% की छूट दी तो कितने की पड़ गई? ये 80/100 नहीं आएगा, 90/100। 100 की वस्तु थी, 10% छूट दे दी, कितने की होगी? 90 की। फिर 10% की छूट दे दी, 90/100। फिर 10% की छूट दे दी, 90/100। तो आपको कुल पेमेंट कितना करना पड़ा, है ना? 9×9=81। 9 का घन कितना होता? 729। बटे कितना आ गया? 10। तो ये हो गया आपका 72 रुपये 90 पैसे। क्लियर हो गया? यानी कि 100 रुपये की वस्तु पे जब आपको 3 बार छूट दी, पहले 10% की, फिर 10% की, फिर 10% की, तो आपको कितने पैसे पेमेंट करने पड़े? 72 रुपये 90 पैसे। चलिए बाकी प्रॉब्लम आपको हम कराने जा रहे हैं, एक एक करके देखते रहेंगे। बेसिक चीज़ें सिखाने की कोशिश की जा रही है, आप देखिए ध्यान से और सारा वीडियो देखिए, तभी चीज़ें ठीक से समझ में आएंगी। MRP आप जानते ही हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। वस्तु पर जो मूल्य अंकित होता है उसको हम क्या कहते हैं? MRP। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वो क्या होता है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए छूट हमने बता दिया। छूट की जो दर है वो 100 रुपये पर तय होती है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, एक सामान का मूल्य अंकित मूल्य 1000 रुपये है। अंकित मूल्य बराबर MRP कितना है? 1000 रुपये। ठीक, अब क्या करा? उस पर 10% की छूट, 5% की छूट, 20% की छूट। पहले कितने की छूट दी? फिर 20% की छूट देने के बाद सामान का विक्रय मूल्य कितना है? वो कितने में बेचेगा उस सामान को? तो देखो, 10,000, 1,000 का 10% की छूट दी तो 90/100, फिर 5% की दी 95/100, और फिर 20% की दी तो 20/100। क्लियर हो गई बात? देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 जीरो काट दूं, और यहाँ से 2 और 2 4 और 1, ये 5 जीरो कट गए, और ये कितना हो गया? 9×8=72 × 95, है ना? बटे इतना लगा सकते हैं ना पॉइंट ये? तो बताओ 72 की 9.5 से गुणा करेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा? 684 रुपये। कोई दिक्कत? 1000 की वस्तु 3% छूट देके कितने की पड़ी? 684। कॉपी कर लीजिए।
हटा दें। नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम नंबर टू, 20% 25% 20% 25% 10% के सिबट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 रुपये है। अंकित मूल्य कितना है? वाली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 1500, इस पे हाथ मार दो वीडियो पे। 25-20% की छूट देंगे तो कितना हो गया? 80/100, और फिर 25% की छूट दी 75/100, फिर 10% की छूट दी 90/100। क्लियर हो गया? बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 2, 3 और 1 4, 2 और 2 4, आगे देखें 5, 3 या 15, 5, 2 नहीं 10, 0। फिर आगे देखो 5, 1 5, 5 25, 5, 4 20, 4, 2 नहीं 8, तो ये कितना आ गया? 3, 2 नहीं 6, 15, 6 का 90। तो बताओ कितना की गुणा 9, 9 में 81, तो कितना आ गया? 810। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। 1500 रुपये की वस्तु 3 बार छूट दे दी, कितने देने पड़े? 810 रुपये। आसान है, कोई फॉर्मूले की तैयारी नहीं, डायरेक्ट बेसिक चीज़ें करिए आप लोग। नेक्स्ट कराएं, हटा दें से। नेक्स्ट देखिए थर्ड वन प्रॉब्लम, एक बस पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपये है, 20% 40% के बट्टा श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? कितना है MRP? 100 रुपये। कितने परसेंट की छूट दी? 20%। तो बताओ 80/100, फिर कितने की? 40%। तो 60/100, बस आसान है। 2, 0, 1, 3 और 1, 4, ये 2 0 कट गए, 8 6 कितना हो गया? 48। कितने रुपए देने पड़ेंगे? 48 रुपये। चलिए नेक्स्ट देखिए फोर्थ प्रॉब्लम, एक अलमारी का अंकित मूल्य 5000 रुपये है, MRP कितना है? 5000 रुपये। ठीक है, उसके बाद देखिए 10% की छूट दी तो 90/100 की पड़ गई वो, फिर 80/100 की पड़ गई, फिर 70/100, कोई दिक्कत नहीं। 3 और 1 4 और 5 और 6, और ये गए पूरे 6 0 खत्म। 5 9 45 और 8 7 56, इनकी गुणा करेंगे तो बोलो कितना आ गया? 45 और 56 की, 45 को 5 8 - 5 लिख लीजिए, गुणा 56, तो इसकी गुणा कर लेंगे 5 6 30, 5 5 25 और 3 28 माइनस 5 6 30, 5 5 25 और 3 28, 10 0 में 0, 10 में 60 गए 2, 7 में से 2 गए 5, तो बोलो कितना आ गया? 2520 रुपया। कॉपी कर ले। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, पांचवा क्वेश्चन देखिए, MRP कितना है? 600 रुपये। अब विक्रेता 20% का बट्टा देता है, 20% की अगर हमने इस पे छूट दी तो कितने की पड़ी? 80। इतने की तो बेचेगा उसको,
बेचने के बाद भी इस वस्तु पर उसको 20% का लाभ हुआ तो सीपी कितना था ये पूछ रहा हूँ आपसे। तो सीपी पे कितने का लाभ हुआ 20% का, तो 120/100। क्लियर हो गई चीज़ें? अरे भाई उसने 600 रुपये पे 20% की छूट दी तो इतने की बेची, और कितने की बेची उस पर उसने एक 20% का लाभ ले लिया, दोनों को बैलेंस कर दिया। 100 से 100 क्या हो गया, कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक। 12 पंजे 60 और 5 8 40 तो एक्स वैल्यू कितने, हाँ 10 और आएगा तो बोलो कितना आ गया, 50 50 8 कितना, 400। तो सीपी कितना था उस वस्तु का, 400 रुपये। कॉपी कर लीजिए, ना कोई ट्रिक ना कोई फॉर्मूला, डायरेक्ट आप करिए चीजें। ऑनलाइन वाले जो भी देख रहे हैं वीडियो को जूम करके देखिएगा, साफ दिखाई देगा, और वीडियो पूरा देखिएगा, रहे नोट्स बनाए साफ साफ करके। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। सवाल नंबर देखिए 6। एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपये है, सूची मूल्य मतलब MRP कितना है, 800 रुपये। उसे 25% छूट बेचने पर कितने की, तो 75/100 की बेचेगा, तो ऐसा करने पर उसको 20% लाभ होता है। तो CP हमने X मान लिया, इस पर 20% का लाभ कर दिया तो इतने का ये गया कट, है ना, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 0 से वाली वैल्यू कट जाएगी, है ना, और 3 से ये कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 4 से ये 80, 20 बार कट जाएगा, और 25 0 0, 25 दूनी 50। तो बोलो CP कितना आ गया उसका, 500 रुपये। यानी 500 रुपये की उसने चीज़ बेचने के बाद भी 20% का लाभ ले लिया। नेक्स्ट देखिए 7th नंबर। एक पुस्तक विक्रेता 10% की छूट पर पुस्तक बेचता है, यदि उसे 8% का लाभ होता तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यदि अंकित मूल्य 120 रुपये है तो MRP कितना है, ₹120। इस 120 पर छूट कितने की दी, 10% अर्थात 90/100, और इस छूट पर इस वैल्यू के बाद भी उसने CP पर 8% का लाभ, तो बोलो 108/100 ये कट गया। एक ही कैलकुलेशन चल रही लगातार, ये नहीं कटेगा, है ना, इसको काट देंगे, 12 9 108, 12 2 120, 9 से 9 कट गया, तो एक्स का मान कितना आ गया, कुछ गलत हो गया, हाँ 10 है, तो ये हो गया आपका 100। क्लियर हो गया, कॉपी करें। इसका आंसर आ गया 100 रुपीज। नेक्स्ट देखिए लास्ट प्रॉब्लम है इस टॉपिक। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, MRP ₹1600 है, तो उसे 25% की छूट पर बेचा गया, तो 1600 × 75/100 बराबर, तो उसके बाद भी लाभ ले लिया 20% का, तो x × 120/100 ये वैल्यू इससे कट गई, ये वैल्यू यहाँ कट गई, 4 3 12, 4 4 16 0, 3 से ये कट जाएगा, 3 5 15, 25 0 25 4 100। 1600 रुपये मूल्य वाली वस्तु, ठीक, पर 75% डिस्काउंट दिया, कितने परसेंट, सॉरी 25% डिस्काउंट देने के बाद भी उस पर 20% का लाभ कमा लिया, तो
तो बताओ सीपी कितना था उस वस्तु का, तो कितना था रुपये 1000। कॉपी कर लीजिए। ठीक है, मुहिम ध्यान रखिएगा, एक पौधा अपने जन्मदिन पर जरूर रोपिए। थैंक यू वेरी मच।